व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन की 8 टाइप्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वन है वर्बल कम्युनिकेशन, फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, विजुअल, ऑडियो विजुअल, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। तो अब हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट टाइप कौन सी है। फर्स्ट टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज टू कन्वे इंफॉर्मेशन और मैसेज। तो वर्बल कम्युनिकेशन सबसे कॉमन फॉर्म है, वही फॉर्म जो हम डेली यूज़ करते हैं। यानी आप घर में बातचीत कर रहे होते हैं या कहीं भी बाहर, घर से बाहर किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स हैं, ऑरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो ऑरल कौन सी है? इट मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स। इट कैन बी फेस टू फेस, ओवर द टेलीफोन, वाया स्काइप और जूम। क्लियर वॉइस एंड टोन आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव ऑरल कम्युनिकेशन। तो ऑरल कम्युनिकेशन वही है जो आप बोल के अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं या अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। तो ये फ़ेस टू फेस भी हो सकती है, एक ग्रुप में भी हो सकती है, या हो सकता है आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, स्काइप पे कर रहे हो, जूम पे कर रहे हो। तो ऑरल कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए और आपकी टोन। सेकेंड रिटन कम्युनिकेशन है। Written communication is anything that involves putting pen to paper or typing. This includes emails, messenger, text, PowerPoint presentations और even simply taking notes. तो written communication से ये हमें पता चल रहा है, यानी जिसमें हम लिख के अपने मैसेज कन्वे करते हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन की रिटन फॉर्म में आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आप हो सकता है कि आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हों या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो हैं वो भी इसी में आएंगी। और उसके अलावा हो सकता है कि आप नोट्स जो हैं वो बनाएं। तो नोट्स बनाने की जो कंडीशन है वो भी हमारी रिटन कम्युनिकेशन में ही आएगी। सेकंड टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज़ नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। इन कम्युनिकेशन people pick up more from your expressions and gestures rather than just the words you use. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होगी? यानी वर्बल तो हो गई अल्फाज इस्तेमाल करके, लेकिन अल्फाज के इस्तेमाल के बग़ैर, यानी जो आप जेस्चर्स यूज़ कर रहे होते हैं या आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। इवन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप साइन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इसमें इसी में ही आ सकती है। देखें जो स्पेशल किड्स होते हैं तो वो साइन यूज़ करके अपना मैसेज कन्वे करते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो नॉन वर्बल वेज के ज़रिए अपना मैसेज कन्वे करते हैं साइन यूज़ करके। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी के वर्बल कम्युनिकेशन है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में टेक प्लेस विद द वर्बल कम्युनिकेशन एंड कैन बी इवन विदाउट इट। ठीक है, तो हम समटाइम्स ऐसे होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज़ कर रहे होते हैं, यानी आप बात करने के साथ साथ जेस्चर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अलावा आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी इसी में ही आ रहे होते हैं। तो जैसे सपोज़ आप ये देखें कि आपने एक बात कही है, अल्फाज ठीक इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशंस इस टाइप के हैं कि वो अगले बंदे को नेगेटिव जो है वो दे रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो आपकी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे सपोज़ आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू में आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, तो आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाएगा। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, इंटोनेशन। थर्ड फॉर्म है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ यूज्ड एट द वर्क प्लेस। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको पता है कि घर में तो आप कभी भी फॉर्मल नहीं होते, आप जब वर्क प्लेस में होंगे तभी आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेन पर्पस ये है कि आपने उसमें स्लैंग यूज़ नहीं करने। फॉर्मल कम्युनिकेशन की जो क्वालिटीज़ हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसमें स्लैंग वर्ड्स नहीं यूज़ होंगे, टू द पॉइंट होगी और प्रिसाइज होगी। और उसके अलावा इसमें जो है आप लेवल ऑफ जो फ्रैंकनेस है वो भी कम होगा इसमें। कम्युनिकेशन थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ की पॉलिसीज़, रूल्स और इन सब चीज़ों की मुनासबत से जो कम्युनिकेशन की जाएगी वो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। इट कैन बी बोथ ऑरल एंड रिटन, तो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है। इट कैन बी इन द फॉलोइंग पैटर्न्स: वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल क्या है और हॉरिजॉन्टल क्या है? वर्टिकल में आ जाएगा कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। यानी इंफॉर्मेशन का फ्लो, यानी आप सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है या आपके इंस्टीट्यूट का जो हेड है वो अपना मैसेज अपने से जूनियर को कन्वे करे, वो उससे जूनियर को कन्वे करे, यानी इसी तरह एक सीक्वेंस में डाउनवर्ड मैसेज कन्वे हो या अपवर्ड कन्वे हो, यानी मोस्ट जूनियर मेंबर से मोस्ट सीनियर मेंबर तक मैसेज कन्वे हो। तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी, यानी नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिफरेंट है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होगी? कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हैविंग सेम डेजिग्नेशन और पोस्ट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि एक ही डेजिग्नेशन या एक ही पोस्ट रखने वाले मुख्तलिफ लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल में आएगी। सपोज़ सारे क्लर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो, या फिर आप ये कहें कि सारी कंपनीज़ के बॉस के दरमियान एक मीटिंग हो या एक जो है वो कम्युनिकेशन हो, डायलॉग हो, तो ये हॉरिजॉन्टल में आएगी। 4 टाइप है जी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। This type of communication occurs between family, friends and acquaintances or when two or more employees in an organization exchange views without following the official rules and procedures is called informal communication. तो informal communication क्या होती है? जो हम अपने family members के साथ कर रहे होते हैं, घर में, friends के साथ, यानी जहाँ पे हमारी frankness का level ज़्यादा होगा तो वो हमारी informal communication होगी। और इवन आप ये भी कह सकते हैं कि यानी दो एम्प्लॉइज़ आपस में जब पॉलिसीज़ या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए बगैर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हो सकता है वो किसी पर्सनल मैटर पे बात कर रहे हो, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा अपनी इंटरेस्ट बेस्ड होती है, यानी हमारे पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पे होती है। तो ये सारी जो है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। 5th वन है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ साइंस, ड्राइंग, graphic designs, colors, illustrations and the other visual aids are used to convey the message. तो visual यानी तस्वीर से communicate करना। तो visual communication कौन सी होगी? जैसे आप रोड की साइड पे लगे हुए साइंस देखते हैं, या फिर ड्राइंग के ज़रिए कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा होता है, तो ये सारे, या फिर कलर, illustrations या फिर दूसरी visual aids यूज़ करके जब मैसेज कन्वे किया जाता है तो वो visual communication होती है। Movies and films are also included in this category. For example, colors are used to control traffic. Visuals such as graphs, pie charts, flow charts convey information. तो अब आप देखें कि ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं उसमें भी कलर्स यूज़ किए जाते हैं। कलर्स यूज़ करके, यानी ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स जो होती हैं वो कलर्स होते हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के साइंस लगे होते हैं, जैसे कार बना के उसके ऊपर क्रॉस किया होता है, मींस आपने पार्क नहीं करना, या फिर स्कूल्स के करीब जो है वो स्पीड स्लो करने के लिए साइंस बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये विजुअल कम्युनिकेशन में आती हैं। 6th वन है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। यूज़ ऑफ वॉइस एंड विजुअल्स टुगेदर इज़ कॉल्ड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब ये ऑडियो भी है और विजुअल भी है, तो ये दोनों मिलके, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। रेडियो इज़ एन ऑडियो मीडियम वेयर एज टेलीविजन एंड फिल्म्स आर ऑडियो विजुअल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर हम रेडियो की बात करें तो उसमें हमारे पास सिर्फ आवाज़ आ रही होती है, तो ये ऑडियो मोड है। लेकिन अगर हम मूवीज़ या फिल्म्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आवाज़ के साथ साथ तस्वीर भी आ रही होती है, तो ये ऑडियो विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। और उसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, आपकी मतलब आप कहें कि फूड फॉर थॉट है, तो आपने ये बताना है, ये जिस तरह आप वीडियो देख रहे हैं और साथ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये कौन सी कम्युनिकेशन की टाइप है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की टाइप आपने गेस करनी है और कमेंट्स में मुझे बतानी है। 7 टाइप है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा मीन्स इनसाइड और विद इन। ठीक है, इट इज़ ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर बाय ए पर्सन इंटरेक्ट्स विद हिमसेल्फ। यानी इसको आप आम अल्फाज में कहें खुद कलामी, जब आप अपने आप से बातें कर रहे होंगे तो ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होगी। लास्ट टाइप है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर देयर इज़ 1-to-1 इंटरेक्शन और इंटरेक्शन अमंग ए स्मॉल ग्रुप। ठीक है, ये वही कॉमन फॉर्म है जिसमें आप एक शख्स के साथ या एक से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो ये था हमारा आज का लेसन। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।